हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक की कहानी में हमने ये समझ लिया है कि जो द हैप्पी प्रिंस है, ये स्टैचू लोगों की हेल्प करना चाहता है, उनकी मिजरी, उनकी पॉवर्टी का जो इशू है उसको सॉल्व करना चाहता है। इसी के लिए वो जो स्वालो बर्ड से जब मिलता है तब उससे हेल्प के लिए वो पूछता है। पहली नाइट को तो जो सेम स्ट्रेस है वो उसको रूबी दे आता है और सेकंड नाइट में प्ले राइटर को एक सफायर दे आता है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो द हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है इसके पास सिर्फ एक आई यानी कि एक सफायर का स्टोन बचा है और फिर कुछ गोल्ड के लीव्स हैं जो कि बचे हैं। अब आगे क्या होता है देखिए, हमने प्रीवियस पार्ट में ये स्टडी किया था कि यहाँ पे दो नाइट वो ऑलरेडी अपना जो इजिप्ट तक का टूर है वो स्वालो बर्ड पोस्टपोन कर चुकी है। अब यहाँ पे ये जो प्रिंस है, हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है, वो उस स्वालो बर्ड से एक रात और रुकने के लिए कह रहा है। दोस्तों क्या होगा हम उसको समझते हैं। देखिए, It is winter, answered the swallow, and the snow will soon be here. यहाँ पे जो swallow bird है वो कहता है कि अब तो winter आ चुकी है और यहाँ पे कुछ time बाद ही snowfall होने लगेगी। तो मतलब कि ये जो swallow bird है ये इस city में अभी नहीं रुकना चाहता था। In Egypt, the sun is warm on the green palm trees, and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. अब ये describe कर रहा है कि अगर मैं Egypt चला जाऊंगा, जो swallow bird है, अगर वो Egypt जाएगा तो वहां पे sun होगा, वहां पे गर्माहट होगी, वहां पे green palm trees होंगे जिसपे वो rest कर पाएगा, साथ में muddy water में crocodiles होंगे जो कि आस पास ऐसे ही खुद को देख रहे होंगे। तो मतलब कि ये अभी भी Egypt जाना चाहता है, यहाँ पे इस happy prince के पास नहीं रुकना चाहता। In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. अब यहाँ पे ये जो happy prince है ये कहता है कि पास में ही किसी एक area में, square का मतलब किसी एक वहाँ पे area में एक छोटी सी लड़की खड़ी है, एक match girl मतलब कि एक ऐसी लड़की जो कि वहाँ पे matches, दोस्तों जो match sticks होती हैं, वो उसको sell कर रही है। तो ऐसी लड़की वहाँ पे खड़ी है। She has let her matches fall in the gutter and they are all spoiled. अब यहाँ पे उससे गलती से जो भी सारी उसकी match sticks होती हैं वो गटर में किसी sewage system में वो वहां पे गिर गई हैं और सारी वहां पे मैचस्टिक्स खराब हो चुकी हैं। Her father will beat her if she does not bring home some money. उसके जो फादर हैं वो उसको घर पे मारेंगे अगर वो कुछ पैसा लेके वहां पे अपने घर तक नहीं पहुंची। And she is crying. और वो जो लड़की है अब वो रोने लग गई है। She has no shoes or stockings and her little head is bare. अब वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि वो जो लड़की है उसके पास कोई भी शूज नहीं है, उसने कोई भी सॉक्स नहीं पहनी है और उसका जो हेड है वो खाली है, मतलब कि कोई भी कैप उसने नहीं पहनी हुई है। Pluck out my other eye and give it to her and her father will not beat her. अब यहाँ पे ये जो happy prince है ये उस swallow bird को कहता है कि मेरी जो एक आई बची है इसको भी निकाल लो, ये जो sapphire का stone है ये उस girl को दे आओ, इससे जो इस girl के father है ये इसको नहीं मारेंगे। अब देखिए दोस्तों ये जो swallow bird है ये क्या करता है। I will stay with you one night longer, said the swallow. ये swallow bird कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे पास एक रात और रुक जाता हूँ। But I cannot pluck your eye, you would be quite blind then. वो कहता है कि पर जो तुम्हारी दूसरी आई जो अब एक ही बची है मैं उसको बाहर नहीं निकाल सकता, ये वाला सफायर का स्टोन मैं यूज नहीं कर सकता हूं। अगर मैंने ये भी निकाल लिया तो तुम बिल्कुल ब्लाइंड हो जाओगे और फिर तुम मुझे कैसे बताओगे कि लोगों को प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो मतलब कि यहां पे जो स्वालो बर्ड है वो अभी इस हैप्पी प्रिंस को ब्लाइंड नहीं करना चाहता है। देखिए, स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अब यहां पे प्रिंस कहता है कि यहां पे जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूं वैसा कर दो। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंसेस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। तो इसीलिए यहाँ पे जो स्वालो बर्ड है वो प्रिंस की जो एक ही आई बची थी उसको भी निकाल लेता है और अब यहाँ पे वो उड़ जाता है, वो जो लिटिल गर्ल है उसको ये सफायर स्टोन देने जा रहा है। He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. अब यहाँ पे ये जो swallow bird है ये एकदम उस little girl के पास जाता है और उसके हाथ के बिल्कुल palm में वो sapphire का stone रख देता है। फिर देखिए क्या होता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. वो जो लड़की है वो एकदम बहुत खुश हो जाती है, कहती है कि ये कितना अच्छा स्टोन है, कितना अच्छा ग्लास का एक पीस है और फिर वो हंसती हंसती घर चली जाती है। Then the swallow came back to the prince. अब वो जो swallow है, वो वापस prince के पास पहुंच चुकी है। You are blind now, he said. So I will stay with you always. अब यहाँ पे ये जो swallow bird है, ये उस prince से कहता है कि तुम तो अब blind हो चुके हो। अब तुम्हारी दोनों eyes चली गई हैं, तो तुम यहाँ पे लोगों की misery को नहीं देख सकते हो। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो मतलब कि दोस्तों, अभी जो swallow bird है, इसने Egypt जाने का जो plan है, अब वो cancel कर दिया है। No little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. अब यहाँ पे जो प्रिंस है वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं स्वालो बर्ड, तुम्हें ऐसा नहीं करना है, तुम्हें इजिप्ट जरूर जाना है। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. पर ये जो स्वालो बर्ड है ये यहाँ पे मना कर देती है कि नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूंगी और फिर प्रिंस का जो फीट है उसके जो दो पैर हैं उसके बीच में वो सो जाती है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा ये थर्ड नाइट का जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। हमने देखा कि कैसे इन्होंने एक और पर्सन की हेल्प करी, वहां पर जो लिटिल गर्ल है उसको वो एक और सफायर का स्टोन दे दिया, पर इस वजह से अब जो हैप्पी प्रिंस है वो ब्लाइंड हो चुका है। और यहाँ पे स्वालो बर्ड है उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वो इजिप्ट नहीं जाएगा, वो यहाँ पे हैप्पी प्रिंस के पास ही रहेगा। अब दोस्तों आगे क्या होगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा फोर्थ नाइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग आगे कहानी है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।